आज मैं बनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा। और सुनिए आपने आवाज़, एक कुरकुरे करारे साबूदाना वड़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम साबूदाना, और साबूदाना को हमें अच्छे से भून लेना है। और ध्यान रखिए, साबूदाना रोस्ट करते वक्त हमें गैस की फ्लेम कम ज़्यादा करनी है, जिससे कि साबूदाना जले नहीं, अच्छे से रोस्ट हो। तो चलिए, साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है और फूल गया है, तो इसे रखेंगे हम ठंडा होने के लिए। और देखिए, बिल्कुल इस तरह से साबूदाना रोस्ट होना चाहिए। ठंडा होने के बाद साबूदाना को हमें पीस लेना है, एकदम बारीक पीसना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर साबूदाना को पीस लिया है, और यहाँ पर लिए 1/2 किलो बॉइल्ड आलू। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 किलो आलू लिए है, और 150 ग्राम साबूदाना जिसको मैंने पीस लिया है। तो ध्यान में रखिए, ये मेजरमेंट जितना हमें साबूदाना लेना है, उससे 3 गुना ज़्यादा हमें आलू लेने हैं, उसके वज़न के हिसाब से। तो अब बॉइल किए आलू को हमें ग्रेट करना है, बारीक कद्दूकस करना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे बॉइल किए हुए आलू कद्दूकस कर लिए। तो अब डालेंगे इसमें पाउडर, साबूदाना पाउडर जो हमने पीस लिया था। और इसके बाद डाला है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च। और अभी डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच नमक, आप आपके स्वादानुसार डालिए। अब हमें इसका आटा गूंथना है, और ध्यान रखिए, इसमें कोई भी पानी नहीं डालना। आलू हमने बॉईल कर लिए, तो उसके मॉइस्चर से ही हमें आटा गूंथना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। तो आटा है हमारा तैयार, वड़े बनाने का एकदम परफेक्ट आटा तैयार है। तो अब हमें इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रखना है। तो चेक करेंगे 5-10 मिनट बाद, तो आटा एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। अब डालेंगे आटे पर थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालकर आटे को अच्छे से मसलना है, जिससे कि ये सॉफ्ट बने। तो चलिए, थोड़ा सा ऑयल डालकर आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब बनाएंगे इसके वड़े। तो देखिए, हाथ में एक गोला लेकर इस तरह से हमें इसके वड़े बनाने हैं। एकदम झटपट बन जाते हैं ये वड़े, और बिल्कुल ऑयल नहीं पीते। तो चलिए, वड़ा बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर एक वड़ा आपको बनाकर दिखाया है। आप वड़े इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसा एक बड़ा सा बॉल लेकर उसकी रोटी बेलिए। देखिए, इस तरह से हमें मीडियम साइज़ की रोटी बेलनी है, और फिर किसी कटोरे से या ग्लास से हमें इसके गोल गोल वड़े बनाने हैं। एकदम आसानी से बन जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी वड़े बना सकते हैं, नहीं तो हमारा हाथ का तरीका तो आसान ही है। तो देखिए, कितने अच्छे तरीके से वड़े बने हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे साबूदाना वड़ा बना लिए। अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो तेल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा गर्म ना करें। तो अब हम इसे एक एक कर कर डालेंगे तेल में। देखिए, मैंने यहाँ पर जितने वड़े बनाए थे, सारे के सारे ऑयल में डाल दिए। तो चलिए, साबूदाना वड़ा हो गए फ्राई। अब इसे निकाल लेंगे, और देखिए, एकदम अच्छे तरीके से साबूदाना वड़ा फ्राई हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और सुनिए आपने ये आवाज़, एकदम कुरकुरी और करारी।